दिग्विजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। अभी भी कह रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं बीजेपी में। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा है कि कांग्रेस नेताओं पर ईडी आईटी सीबीआई का दबाव डालते हैं, कमलनाथ पर भी दबाव डाला है। लेकिन हालांकि कमलनाथ चरित्र में ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति ऐसे नहीं है कि दबाव में आ जाए। सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं, कौन सा पद उन्हें नहीं मिला केंद्र। तो दिल्ली से अगली बड़ी जानकारी, कमलनाथ को लेकर बयानबाजियां लगातार चल रही हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया, बीजेपी में आने की अटकलों पर कहा कि जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। ईडी से डराए जाने के आरोपों पर दिग्विजय पर भी पलटवार किया, ऐसा है तो सिर्फ कमलनाथ को ही डर क्यों है, ये सवाल पूछा है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईडी का डर जो है वो नेताओं पे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं पे नहीं, तो कमलनाथ डर रहे और वो क्यों नहीं डर रहा, अगर ऐसा है तो ईडी का डर नहीं, उनके नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। सर अगर हम बात करें, सर अगर कमलनाथ अगर पार्टी में आते हैं तो सर उनका स्वागत करेंगे सर आप? देखिए अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो आग होगी ही नीचे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कांचन अप्पू पाठक के साथ विनित कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो खबरें लगातार